हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, सुबह का रूटीन शुरू हो चुका है और मम्मी ने गाय का दूध निकाल लिया और दूध निकालने के बाद गंगा में छोड़ दिया, जिससे कि गंगा दूध पी सके। और दूध पीने के बाद आपको इसकी थोड़ी मस्ती दिखाऊँगा, उछल कूद। और देखिए, कमरे में गंगा जा चुके हैं उछल कूद करने के लिए। ये देखिए कैसे उछल कूद कर रही है, अब फिर दूध पर आ गई। ये इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं खोलता, कभी कभार इसकी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये रिपट जाती है, कहीं चोट लग जाए, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बनाता। बहुत कम वीडियो बनाता हूँ इसकी, कहीं इसके चोट लग जाए। और मम्मी दूध भी लो रही है, आप देख सकते हैं, ये पुराने समय की रही है, ये हमारी दादी जी की रही है। और अब ऐसी रही ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। और इस रही से बहुत जल्दी हाथ दुख जाते हैं, कि 15-20 मिनट में जाके दूध निकलता है। और इससे 15-20 साल पहले इनसे दूध भी लोते थे, अब ये देखने को कम मिलती है, बहुत कम। और मम्मी ने दूध भी लो दिया है, देखिए आप देख सकते हैं घी निकल चुका है। और मम्मी अब रई साफ कर रही है, और रई साफ करने के बाद फिर घी निकालेगी, देख सकते हैं आप। ये घी है जो फटाफट सा दिख रहा है आपको, ये घी है। और अब मम्मी घी निकालेगी। वह कहावत तो आपने सुनी होगी कि घी सीधी उंगली से निकल निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उंगली टेढ़ी करके मम्मी घी निकालेगी। घी निकालने के बाद मम्मी अंडी साफा कर रही है, क्योंकि बाहर छींटे लग जाते हैं मट्ठे के, यानी छाछ के, उससे गंदी हो जाती है। तो वे साफ़ कर रही है मम्मी गर्म पानी से। पापा जी और मेरा नाश्ता शुरू हो चुका है सुबह का, बालू साई के साथ पापा जी नाश्ता कर रहे हैं। रोटी पापा जी ने एक अद्धी खाई है सुबह की, और मैंने भी एक अद्धी रोटी खाई है, क्योंकि पापा जी को ड्यूटी पर जाना है और मुझे भी ड्यूटी पर जाना है, इसलिए एक अगर दो दो रोटी खाई है सुबह के टाइम, और बालू साई का नाश्ता किया है। और देखिए मम्मी भी आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। मिठाई खाती है, कैसे हंस रही है, पहली बार खा रही हो? वो कैमरे के सामने पहली बार बालू साई खा रही है, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसके कहने पे कल ये बालू साई आई है, कल बोल रही थी कि बालू साई लाना, तो आज हमने सुबह के टाइम नाश्ता किया है इसका। मैंने, पापा जी ने, मम्मी ने, और दो बंदे अभी सो रहे हैं जिनका उठने का टाइम नहीं हुआ अभी तक। क्या कह रहा है सोनिया? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, मैं अपनी ड्यूटी से आ चुका हूँ। और देखिए आज पूजा ने क्या बनाया स्पेशल, आप देख सकते हैं चूल्हा बन रहे हैं, ये बना रहे आज पूरिया, और पूरिया के साथ क्या बना है ये भी आपको दिखाऊंगा। पूरिया बना रही है पूरिया, और देखिए और क्या बनाया स्पेशल आपको दिखाता हूँ। मुझे बनाया है पनीर,
देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी ये देख लीजिए, पनीर पनीर बनाया है इसने आज पहली बार। उससे पहले दो चार फ्री मैंने बनाए हैं और बोल भी रही थी कि तुम ही बनाना कर पनीर मिल से आकर। और उससे पहले मैं और सोने ने पनीर बनाया एक दो फेरी जो बनाया है, तो पूजा ने आज पहली बार पनीर बनाया है। बहुत अच्छा पनीर अच्छा लग रहा है देखने में और खुशबू भी अच्छी आ रही है, तो खाने में भी अच्छा हुआ। तो आज पनीर और पूरियाँ बनाई है, पिछले बनाई आज पनीर पूरियाँ। बताया था नहीं? क्या बताया था? नहीं वैसे बनाई मैंने खुशी में, राजी खुशी में बनाई है पूरियाँ। चलो तो दोस्तों पूजा का बनाया पनीर आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट करके। खाने में आज मटर पनीर, तो पूजा ने आज मटर पनीर बनाया है और उसके साथ मुआठा भी है छाछ। और कुछ पूजा खाने वाले हैं और कुछ रोटियां, तो पूजा ने कुछ रोटियां बनाई है पूरी बनाने के बाद, क्यों पापा जी की पूरी बंद है और अंकित भी पूरी नहीं खाता, तो इसलिए पूजा ने दो चार रोटी से किया है। तो मम्मी सबके लिए खाना लगा रही है। और खाना सब बैठ के मिलके खाएंगे। रोज का रूटीन हमारा ऐसा ही होता है, खाना साथ मिलकर खाते हैं। और कभी कभार ऐसा दिन जाता है जिस दिन हम साथ बैठकर रोटी ना खाएं, लेकिन जब तक रोटी हम साथ बैठकर खाते हैं। देखिए इधर पूजा का काम निमट चुका है, रोटियाँ बना दी है हमने और पूरे बना दिए हैं, तो अब खाने की तैयारी हो चुकी है। और पापा जी ने खाना शुरू कर दिया है गगन कितने, और मम्मी उधर बैठ गए हैं और मैं भी पास में बैठा हूँ मम्मी के। और मेरे पास है पूजा की थाली, और पूजा पहले सबकी पूजा रोटियाँ और पूरे धर रही है सभी थाली में, और उसके बाद खाना शुरू कर देंगे। देखिए खाना हमारा शुरू हो चुका है। और पापा जी का फ़ोन आ गया था बीच में, उनके दोस्त का, उनकी बाइक ख़राब हो गई थी जिस कारण पापा जी का बार बार बीच में उसे हमारे गांव से आगे ले गाँव में जाना होता है, हमारे गाँव से 4-5 किलोमीटर दूर, तो इसलिए पापा जी का बार बार फ़ोन आया था कि बाइक ठीक करवा दे भाई कहीं पर। तो गाँव में 2-3 मिस्त्री हैं, उनमें किसी के पास ले जाएंगे। और पापा ही चल दिया है अपने दोस्त के पास खाना खाने के बाद, और मम्मी यार रोटियां सब्जियां दे रहे हैं सबको। वो जा चुके हैं और मैं और मम्मी और पूजा खा रहे हैं खाना, और इधर साइड में बैठे हैं गगन और अंकित, वे भी खाना खा रहे हैं। उनके पास भी कैमरा नहीं लग रहा, शुरू में आपने देखा होगा कि उन पे कैमरा लग रहा था। और खाना सबने खा लिया है, देखिए मम्मी ने भी खाना खा लिया है, देख सकते हैं आप, वो सब खाना खाकर नीचे चले गए हैं, यह नीचे लौट रहे हैं। उस सब ने खाना खा लिया था, तो पूजा और मम्मी बर्तन साफ कर रहे हैं, अभी पूजा कर रही है और थोड़ी देर बाद मम्मी आ जाएगी बर्तन साफ करने के लिए। और ये देखिए आप पानी कितना सुंदर लग रहा है, झिलमिलाता हुआ, अभी टंकी से भरा है तो इसलिए थोड़ा घूम रहा है ये। पूजा ने बर्तन मांजने शुरू कर दिया है और मम्मी भी सहायता करवाने के लिए आ चुकी है, और मम्मी भी बर्तन मंजवा देगी पूजा के साथ, दोनों मिलकर काम निपटा देंगे और जल्दी सो जाएंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जितना जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा होता है, और उसके बाद अपना बिस्तर में लौट के आराम करेंगे। तो दोस्तों पूजा का बनाया पनीर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम जी। गुड नाइट।